आज का दिन टेस्ट क्रिकेट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तरफ इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का मैच चलेगा, दूसरा दिन होगा, दूसरी तरफ न्यूजीलैंड वर्सेस श्रीलंका का मैच बहुत ज्यादा एक्साइटेड होगा। दोनों एशिया के मैचेस हैं और दोनों जिसमें से तीन एशियन टीम्स खेलनी है, और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का पॉइंट्स टेबल चेंज हो सकता है अगर इसके अंदर श्रीलंका न्यूजीलैंड को हरा देती है, और सिमिलरली अगर इंडिया बांग्लादेश के मैच के अंदर कुछ आउटस्टैंडिंग हमें देखने को मिल सकता है। देखा जाए तो इंडिया वर्सेस बांग्लादेश की बात करें, बांग्लादेश को अगर आज परफॉर्मेंस करके दिखा दी अच्छी, अगर उन्होंने 300 रन कर दिए, इसका मतलब ये होगा कि इंडिया के ऊपर प्रेशर आया, क्योंकि चौथी इनिंग्स के अंदर चेस करना आसान नहीं होना। इसी के साथ साथ अगर बांग्लादेश 200 से पहले ऑल आउट होगी तो फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि फिर बांग्लादेश इस टेस्ट मैच के अंदर जगह नहीं बना पाई, क्योंकि विकेट इतनी खतरनाक नहीं है, यहाँ पे बैटिंग करना इजी, यहाँ पे स्पिनर्स का ही बोलबाला होगा, और जब इंडिया के बल्लेबाज बैटिंग करने यहाँ पे आएंगे तो इंडिया के बल्लेबाज बड़ी खतरनाक किस्म की बैटिंग करेंगे, और वो तेज भी खेलेंगे, इस मैच का रिजल्ट भी निकालने की कोशिश करेंगे, और वो 400-500 बोर्ड के ऊपर भी लगा देंगे। तो ये चीज बहुत ज्यादा मैटर करती होती है, और मैं आपको बता रहा हूँ ये जो मैच है बड़ा ज्यादा खतरनाक होगा। आज के दिन के अंदर आपको क्या लगता है अपने जरूर कमेंट्स के अंदर बताना है, जिसकी आज के दिन की प्रेडिक्शन सही हुई कि बांग्लादेश इतने स्कोर के ऊपर आउट होगी, और इंडिया जिसको कहते हैं ना आज अगर बल्लेबाजी मिली तो कितने रन करेगा, तो उसको उस कमेंट को पिन किया जाएगा। सिमिलरली श्रीलंका वर्सेस न्यूजीलैंड का सवाल यह है कि आज क्या न्यूजीलैंड ऑल आउट हो जाएगा, कमेंट्स के अंदर आपने जरूर बताना है। अगर न्यूजीलैंड ऑल आउट हो जाएगा तो जरूर कमेंट्स के अंदर टाइप करें, अगर नहीं होगा तब भी टाइप करना, न्यूजीलैंड के स्कोर को भी आपने कमेंट्स के अंदर बताना है। अब बात करते हैं जरा इन दोनों टेस्ट मैचों की। देखिए सिनेरियो बड़ा सिंपल है, श्रीलंका अगर जीतता है न्यूजीलैंड जो है ना वो ऑलमोस्ट समझे बाहर ही है, क्योंकि इंडिया ने न्यूजीलैंड को हरा देना है। अगर इंडिया 3-0 से हराता है तो न्यूजीलैंड एलिमिनेट हो जाएगा, अगर इंडिया न्यूजीलैंड को 2-0 से हराता है तब भी न्यूजीलैंड के पास चांस बहुत मुश्किल है, अगर इंडिया जो है न्यूजीलैंड के हाथों हार जाते हैं, न्यूजीलैंड 2-1 होता है तब न्यूजीलैंड के पास चांस होगा कि इंग्लैंड को 3-0 से सीरीज हरा दे। लेकिन आप ये चीज को देखें, अगर श्रीलंका न्यूजीलैंड को हरा देता है 2-0 से, उसके बाद इंडिया जो है वो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 3-2 से जीत जाता है, उसके बाद 3-2 से हार भी जाता है, फिर भी ऑस्ट्रेलिया के लिए लाजमी होगा कि वो श्रीलंका को 2-0 से मैचेस हराए, और श्रीलंका ने अगर साउथ अफ्रीका को हरा दिया ना तब तो सब कुछ चेंज होकर रह जाएगा। तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप बहुत ज्यादा मजे की होगी, आपने जरूर कमेंट्स के अंदर बताना है कि आपको क्या लगता है आज के दिन क्या होता हुआ आपको नजर आ रहा है।